जिंदगी के दौर में आप कुछ भी हासिल करना चाहें उसमें आपको परेशानियां झेलना ही पड़ेगा। परेशानियां क्या होता है, ऊपर वाला भी आपका इम्तिहान लेना स्टार्ट कर देता है कि आखिरकार ये व्यक्ति क्या करना चाह रहा है और उस चीज को जो कर रहा है ये कितना दिन करना चाह रहा है। तो उस इम्तिहान में कोई व्यक्ति पास होता है, कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, या कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए वो चालू करता है लेकिन वहीं पर रुक जाता है, मतलब कठिनाई की दौर तक भी नहीं पहुंच पाता है। उसके माइंड में वो बातें आ जाती है कि ये सब चीज मैं नहीं कर सकता, तो उस चीज को करने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि हमको कोई सा भी कार्य करने से पहले हमको बहुत सारे कठिनाइयां आएगी, और जिंदगी में सफल होने के लिए आज तक कहीं पर भी किसी भी किताब में या कोई भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसकी शॉर्टकट नहीं होती है। जिस तरह हम शॉर्टकट ढूंढते हैं सफलता पाने के लिए कि आज हम चालू करें और कुछ सालों के बाद में करोड़ों अरबों के मालिक बन जाएं, तो ये सब आपकी गलत धारणा है। ये आप जिंदगी में भी शॉर्टकट के माध्यम से आप सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप पहले साल 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो दूसरे साल उसको 3 लाख 4 लाख के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पहले साल आपको 1 लाख रुपए कमाना सीखना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आज 10 हजार रुपए कमा रहे हैं और उसको 2 से 3 महीने में लाख रुपए का इनकम चाहिए महीने का, ये संभव नहीं है। ये असफलता है कि सबसे बड़ा कारण है कि हमको ये लगता है कि हम दूसरे को देख के सक्सेस हो जाएंगे कि वो व्यक्ति इतना सारा अमीर, इतना ज्यादा अमीर है, इतना ज्यादा वो कार्य कर रहा है और इसके पास ये गाड़ी है, उतना पैसा है, घर है, बंगला है, स्वराम की जिंदगी है। उनको देख के, उनकी मोटिवेशन देख के हमको लगता है कि हम भी वो कार्य कर लेंगे, लेकिन आप ये चीज सोचिए कि उस चीज को करने के लिए उनको क्या कठिनाइयां, क्या समस्याएं झेलना पड़ा। इस चीज को अगर आप जान गए तो आप एक दिन में सफल नहीं होंगे लेकिन एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। सफलता मिस क्या होता है कि जिंदगी में रिस्क लेना। अगर आप कोई से भी चीज में रिस्क नहीं लेंगे तो आपको सफलता ही नहीं मिलेगी। रिस्क मिस क्या होता है, तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिंदगी में। अपना समय का इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसों की, जहां पैसों की जरूरत पड़े वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। तो ये इन्वेस्टमेंट ही आपको प्रॉफिटेबल बनेगी। हम सोचते ये हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट भी करना ना पड़े और हमको सब चीज लाइफ स्टाइल मिल जाए जो उस व्यक्ति को मिला हुआ है, तो ये असंभव है। जिंदगी में जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको वो हासिल नहीं होगी जो आप चाहते हैं। जो व्यक्ति आज तक हासिल किया है वो उससे पहले इन्वेस्टमेंट किया है, अपना समय का इन्वेस्टमेंट किया है, अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है, सही जगह में वो पैसा लगाया है। तो ये सब चीज जिंदगी का आधार है। अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको कठिनाइयां भी झेलना पड़ेगा और असफलताएं भी झेलना पड़ेगा और रिस्क भी पालना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज हासिल हो सकता है जो आप रियल में चाहते हैं। और फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जिंदगी में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे कि मान लो YouTube वीडियो भी बना रहा है, तो उसका YouTube एक दिन में वायरल नहीं होगा, उसको एक दिन में लोग पसंद करना नहीं चालू करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसको लोग
इतने ज्यादा पसंद करना चालू कर देंगे कि उनकी फॉलोवर लाइक सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग वो जब किया रहेगा उस दिन की दौर को देखो, कितना पहले वीडियो उसकी एक एक व्यू, जीरो व्यू, ये सब चीज आता है। तो जिंदगी में असफलताएं आएंगी तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। आज की कहानी में अगर आपको जरा से भी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में कोई सा भी मोटिवेशनल या हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव यू नाइस डे।